नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप आईटीआई करने चाहते हैं और एक अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपके लिए एनएसटीआई एक बेहतरीन मौका लेके आया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या इसका पूरा डिटेल्स है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो विस्तृत जानकारी के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग निम्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम लोग निम्मी गूगल में निम्मी ऑनलाइन एडमिशन क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और यहीं पे आपको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन और एडमिशन, CTS एडमिशन 2020 एंड रजिस्ट्रेशन लिंक। इस पे हम लोग को सबसे पहले क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसकी विस्तृत जानकारी इसके अंदर अवेलेबल। अब हम लोग आ गए हैं CTS 2020 एडमिशन के ऑफिशियल पेज पे। अब यहाँ पे हम लोग को दिखती है कैंडिडेट कैंडिडेट लॉगिन, एनएसटीआई डिटेल्स, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, CTS प्रोस्पेक्टस 2020। CTS को ITI कहा जाता है और इसी का प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्रोस्पेक्टस को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे कौन सा ट्रेड है और किस ट्रेड में कौन अप्लाई कर सकता है ये जानकारी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग CTS का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हैं। तो चलिए प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया है। ये है प्रोस्पेक्टस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। इसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस CTS प्रोस्पेक्टस 2020 और इसमें जो है विस्तृत जानकारी ITI के बारे में दिया गया है, किस प्रकार से आपको करना है। तो आपको जो है रिसेंटली जो है आपको 33 NSTI में एडमिशन करने का मौका मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, क्या क्या प्रोसेस है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं सबसे पहले कि आपको एनुअल एग्जाम देना होगा। सितंबर इसका सेशन रहेगा, सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक। आपको आप रजिस्ट्रेशन करने का डेट जो है वो 7 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक शाम के 5 बजे तक करना है। रजिस्ट्रेशन का माध्यम क्या होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का माध्यम है। और आपको कितना फी देना होगा? तो यदि आप जनरल और OBC के छात्र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपया, यदि आप ST SC के कैंडिडेट तो आपको कोई फी नहीं देना होगा। आपको कोर्स ड्यूरेशन जो है 1 साल के कोर्स और 2 साल के कोर्स इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के मिल जाएंगे यहाँ पे। यदि आप इजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आप 10 पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ड्रेस मेकिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मात्र 8वीं पास भी हैं तो आप ड्रेस मेकिंग में अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के लिए आप 8 क्लास में हैं पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना है। यदि कोई छात्र 14 साल का एज है तो वो अप्लाई कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि आपको कितना फी लगेंगे। तो एडमिशन के लिए आपको 100 रुपया लगेंगे जनरल OBC के और 25 रुपया लगेंगे ST SC कार्ड के लिए। ट्यूशन फी मात्र आपको 150 रुपया पर मंथ के हिसाब से देना होगा। एग्जामिनेशन फी आपको जो है आपको 100 रुपया फर्स्ट अटेम्प्ट, यदि आप सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। कॉशन मनी जो है वो रिफंडेबल है, आपको 250 रुपया कोर्स के लिए देना पड़ेगा। जिम के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो बात किया जाए यदि आपको कि सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपको 100 रुपया लगेंगे। मंथली एकोमोडेशन फी जो है आपको 100 रुपीज ये लगेगा। कॉशन मनी जो है 1 फॉर्म
हॉस्टल के लिए आपके 125 रुपया जमा करना पड़ेगा और हॉस्टल सर्विस चार्ज जो है 50 रुपया एट एडमिशन लगेगा। मेस चार्ज जो है वो आपको पॉलिसी के अनुसार अलग से लगेंगे। तो आपको हॉस्टल यदि जहाँ पे जिस कॉलेज में यदि हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे आपको बहुत ही कम रेंट पे आपको हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है। अब आइए जानते हैं कि कैसे करें रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको निम्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, निम्मी ऑनलाइन एडमिशन। वहीं पे आपको एडमिशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब आइए जानते हैं कि आपका किस प्रकार से मेरिट बनेगा। तो मेरिट बनेगा आपका जो 10th का मार्क्स है उसके आधार पे आपका मेरिट बनेंगे, और मेरिट जो है 21 सितंबर 2020 को पब्लिश कर दिया जाएगा निम्मी ऑनलाइन एडमिशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद आपको 23 तारीख से 26 तारीख तक आपके काउंसलिंग होंगे फर्स्ट फेज के। 30 से लेकर 3 अक्टूबर तक आपको सेकेंड फेज के काउंसलिंग होंगे। 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के आपको थर्ड फेज के काउंसलिंग होंगे, और 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आपके स्पॉट एडमिशन होंगे। यदि आपके सीट बच जाते हैं, एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो स्पॉट एस्पिरेंट तो स्पॉट एडमिशन होता है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब जानते हैं कि किन-किन ट्रेड में आपको मिलेंगे एडमिशन। तो एडमिशन के लिए आपको एग्रीकल्चर ड्राफ्टमैन एक ट्रेड है जिसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। कॉस्टोमेलोजी जो है उसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट के लिए आपको 10th पास चाहिए। इन ट्रेड में यदि आप एडमिशन करना चाहते हैं तो इन ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, इन ट्रेड में अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आप, ड्रेस मेटिंग के लिए आपको 8th पास चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। फैशन एंड डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है। यदि आप फूड प्रोडक्शन में ITI करना चाहते हैं, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का लिए ITI करना चाहते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन के लिए, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए, इन सारे ट्रेडों में यदि आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के बहुत सारे ट्रेड हैं जहाँ पे आप ITI NSTI कॉलेज में कर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है उन छात्रों के लिए जो बहुत ही अच्छे कॉलेज में ITI करना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ पे मैशनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, फाउंड्री मैन, वेल्डर, टर्नर जैसे महत्वपूर्ण ट्रेड NSTI कॉलेज में ITI करने का मौका मिल रहा है। अब आइए जानते हैं कि कितने सीट हैं। तो देख लीजिए, ड्रेस मेकिंग में इस प्रकार से यहाँ इस प्रोस्पेक्टस में सीट दिया गया है। तो हम इसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा और विस्तृत से जान लीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपको NSTI जैसे बड़े कॉलेजों में ITI करने का मौका मिल रहा है। तो ये वीडियो, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करें और कैसे अप्लाई करें और किन-किन कॉलेज में अप्लाई करें, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो वीडियो को अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।